बहुत अच्छी गेंद स्ट्रेट वहां पर खेल दिया क्या सामने बहुत ही आला दर्जे के फील्डर जब तक गेंद बहुत अच्छी वहां पर रुकम होती एक और एक और एक और भाई 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 हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। आज है हमारा टेनिस का टूर्नामेंट और फर्स्ट बार नाइट का मैच खेल रहा हूँ टेनिस से। लेदर से मैं बहुत बार खेला तो मजा बहुत ज्यादा आने वाला है आज के व्लॉग में। हमारे गांव की टीम है उससे मैं खेल रहा हूँ और आवाज़ थोड़ी सी भारी हो रही है, उसका कारण क्या है, दो दिन से मैच खेला, थका हुआ बहुत ज़्यादा हूँ और थोड़ी ठंड भी लग गई है, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है बढ़िया वाली यहाँ पे। तो गाइज एकेडमी में थोड़ा लेट आया था, यहीं से सीधा जाऊँगा जहाँ हमारा मैच चल रहा है। एकेडमी से सिर्फ 8 किलोमीटर का रास्ता है तो यहीं से निकलूँगा जो हमारा रात को मैच है। तो आपको मैं मिला दूँ एकेडमी कौन कौन है। आज मैंने प्रैक्टिस कुछ नहीं किया, पूरा रेस्ट दिन है क्योंकि दो दिन पिछले बहुत टायर्ड वाले थे, बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ अभी, तो पूरा रेस्ट है तो यहीं से निकलूँगा। अभी मिलवा दूँ एकेडमी कौन है सबसे पहले। तो ये आया है ओके। तो ओके, आपने कलर जो कराया इसका कारण क्या है? इसका कारण वेस्ट इंडीज के प्लेयर को फॉलो कर रहा हूं मैं। कौन सा? सबको। तो अभी यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है तो ये तो अभी आया मेरे साथ ही, ये भी मैच खेला था, ये भी थकड़ा था। मैं थक रहा भाई। और ये क्योंकि भाई बॉलर थकते हैं ना, बैट्समैन कहाँ थकते हैं। बोल तो मैंने भी डाली 4 दिन के मैच। और ये तो सुबह से आए हैं भाई, ये सुबह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मोटा भी सुबह ही आ गया था, सोहित। क्या बाद में बुला लिया करो ये वीडियो, क्यों टाइम वेस्ट हो रहा पूरा तेरा? मेरा कहाँ वेस्ट हो रहा, तेरा वेस्ट हो रहा। तू थक गया क्यों इतना फील्डिंग करके, इतना थक गया भाई? क्योंकि इन्होंने पकड़ा ना इनको, पता नहीं क्या कर गए ड्रामे इनके। क्या ड्रामे किए इन्होंने? ना मैं बस भाग रहा आराम से राउंड। किन्होंने? गिरीश भाई ने। ये कौन है जो इधर खड़े? गिरीश भाई है ना ये? ना इन्होंने नहीं। तो इन्होंने क्या? मनीष भैया ने। मनीष सर नीचे खोल। ये तो बता बाबू कौन से भैया ने, गिरीश भाई ने करा, मनीष भाई ने? इन्होंने क्या करा? सुरेश रैना। ये सुरेश ने ऐसा कौन अंकल है? मुगरा अंकल कौन है? सुरेश ने कौन जानते आप? ना। आप क्रिकेट खेलते हो और उनको जानते? भाई मुझे, मैं क्रिकेट देखता नहीं हूँ। तो आप नहीं, बस पेट कम करने आया था। बे यार तो ये आज क्योंकि दो दिन हमारे मैच होंगे ना तो उसके लिए वो तो खेले, वो तो देख लिया। ये हम तैयारी किस लिए कर रहे हैं, ये अभी यूज़ नहीं होगा तीन दिन, क्योंकि तीन दिन हमारे मैच है तो इसलिए ये रिपेयर हो रहा है, उसके बाद हम नेट कर सकते हैं आराम से। तो ये पानी डाल दिया यहाँ पे, अब ये सेट हो जाएगी जो मिट्टी है, दोनों साइड डाल दी अब। तो गाइस ग्राउंड से तो आ गया था, थोड़ा खाने का सीन है, उसके बाद सीधा ग्राउंड जाऊंगा जहाँ मैच चल रहा है। तो अभी दिखा दूँ आपको क्या खा रहा हूँ आज। तो खाना तो हो गया, अब निकलने का टाइम हो गया, यहाँ से सीधा निकलता हूँ। गांव वाले सब आ गए, गांव वाले भी देखने आ रहे हैं, अभी फ़ोन आया तो आपको ग्राउंड दिखाऊंगा जाके। तो वेट करो, खाना वाना सब हो गया, पूरा पेट फुल है अब। तो पहुँच गया हूँ गाइस, ये देखो ग्राउंड बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया हुआ है गाइस, टेनिस में भी ठीक, दो लाइट बीच में और साइडों में सारी। तो भाई ठंड लग रही है, चप्पल में आया था, अब जूते डाल लूँ। तो भाई गांव के सारे लड़के आ गए, आधे खेलेंगे आधे देखेंगे, तो देख लेना। एक आधा पोज दिखा दो मुनी भाई। मैं आपको दिखा दूं, ये सचिन भाई है, ये ओनर है टीम के। ये प्रैक्टिस चल रही है मैच की प्रैक्टिस। तो जो टूर्नामेंट चल रहा है ना फरहान के गांव में, एकेडमी भी आता है तो इसके गांव में ही चल रहा है। और ये भाई मिल गए थे सब्सक्राइबर, ये दोनों वीडियो में आओगे कल ठीक है। ये भाई भी था। तो गाइस टॉस हमने जीत लिया, हमारी बैटिंग पहले है, तो इस वाले व्यू से या तो पीछे कैमरा में लगा दूंगा, आप देखते रहना, या फिर इधर ही को एडजस्ट करते हैं, आप देखते रहना जैसे भी आपको मैच दिखेगा, कोशिश करेंगे रन बनाने के। फिर देख लो अभी तो रात के 9 बज रहे हैं, अभी देखो भीड़ कितनी है यहाँ पे। वसीम भाई अभिषेक शर्मा पहली बॉल, पहली गेंद वसीम के लिए कट कर दिया उसको, थर्ड मैन की तरफ गेंद को फील्ड किया, जब तक एक ही रन वहां पर
बहुत अच्छी गेंद उठाकर मारा है उन्होंने, ऑफिस रन की तरफ गेंद जा रही है बहुत तेजी के साथ। जब तक गेंद फेल होती दो रन पूरी तरह से कर लिए थे, हल्की सी मिस्टेक वहां पर बॉलर के द्वारा, लेकिन अगली गेंद कैच अगले बहुत अच्छी गेंद इस बार और ये चांस था कॉटन बॉल का, लेकिन गेंद जस्ट उनके पहले ही गिर पड़ी। ओवर की समाप्ति पर स्कोर 5 रन, ऑब्वियसली उसे ज्यादा गुड बहुत दूर से आजाद 4 रन चौथे ओवर की पहली बॉल 34 रन 1 विकेट। अभिषेक बहुत अच्छा शॉट इस बार मिड टॉप की तरफ उन्होंने शॉट खेला, लेकिन गेंद फील्ड हुई एक ही रन में लगा, माफ कीजिए फील्ड जब तक की जाती बॉलर के द्वारा थोड़ी सी मिसफील्ड हुई साल के लिए। गेंद बहुत अच्छी गेंद वाइड कीपर ने हल्की मिसफील्ड हुई लेग के लिए, इस बार उल्टोस ये गेंद इस बार मिड ऑन की तरफ उन्होंने शॉट मारा, जब तक गेंद फील्ड होती वहां पर दो रन जिसे अभिषेक की और ये बेहतरीन शॉट सीधा खेल दिया है और वो 4 रन। अच्छा खेला चलो 4 रन और ये काला रन बल्ले से लाजवाब रनिंग बेहतरीन रनिंग यहाँ पर दोनों ही बैट्समैन द्वारा, 3 ओवर शेष बचे हुए हैं। बहुत अच्छे गेंदबाज सलमान छक्का छक्का भी लगे बल्ले से बहुत अच्छे गेंद इस बार पुल कर दिया वहां पर, जब तक गेंद फील्ड होती वहां पर बहुत अच्छे से एक रन और दूसरे रन के लिए भागना चाहते हैं। विशाल ने वहां पर मना किया उन्हें और तीसरे बार मिस फील्डिंग हुई, 3 फील्डरों के द्वारा ये मिस फील्डिंग हुई। सलमान विशा के लिए छोटी गेंद इस बार ऑफिसन की तरफ उसको खेल दे, जब तक गेंद फील्ड होती वहां पर फील्डर को बहुत दो रन और देखिए मिस फील्डिंग एक और बार बेहतरीन शॉट का सीधा बल्ले को खेल दिया है। आठ ओवर में 80 रन भाई, 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 80 रन, 10 रन पर चलता हुआ विनय के आने के बाद दो ओवर से इजाफा हुआ था जो उन्होंने डांसा इस बार छोटू गई है। बहुत अच्छी गेंद एक रचनात्मक शॉट खेलते हुए पैडल स्वीप लगाने का वहां पर प्रयास था, इस बार फिर से अच्छा शॉट मिडऑफ की तरफ, ये शॉट जब तक गेंद फील्ड होती 4 रन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी विनय के द्वारा मजबूत स्कोर देने की तरह से जाता हुआ बिल्कुल सीधा शॉट खेल जाए कहने की जरूरत नहीं छोड़िए। 1 ओवर इज लेफ्ट 98 रन अगली बार छोटी गेंद इस बार तारा भाई जोगिंदर बहुत अच्छी गेंद स्ट्रेट वहां पर खेल दिया कैप सामने बहुत ही आला दर्जे के बिल्डर, जब तक गेंद बहुत अच्छी वहां पर रुकम होती एक और एक और एक और भाई 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 घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। कैंसा के लिए गेंद हल्के से कट किया उसको ऑफिस रन की तरफ 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। राज किंग और ये देखना है क्या होगा विशाल और ये बहुत अच्छी बॉल कीपर के पास से प्लीज हट जाए वहीं से इधर से तो गाइस मैच तो एक तरफा जीत गए, बैटिंग बिल्कुल बढ़िया नहीं हुई, सिंगल डबल ही निकाले पर जितनी कोशिश हुई उतने निकाले और कैमरा इसके हाथ में था इसलिए पूरी रिकॉर्डिंग की। तो देखते हैं नेक्स्ट मैच कब होगा और अब चलते हैं सीधे यहाँ से अपने रूम पे। तो गाइस अब पहुंच चुका हूँ रूम पे और मैच खत्म हो गया था। मैच में जो मैन ऑफ द मैच था वो मेरा भाई था जो मेरे साथ बैटिंग कर रहा था,
पर कम से कम 40 रन हमने भाग के लिए, पूरा सांस फूल गया था भाई। पर अलग ही फिटनेस भी अच्छी होगी, पर बैट पे कभी कभी होता है बोलने लग रही थी। और मैं आपको बता दूं, मैं 4 मैच खेला टेनिस के, आपने भी देखा व्लॉग भी देखा, चारों में नॉट आउट हूँ। किसी में कैच छूट गया, किसी में आउट नहीं हुआ, तो चारों में अब तक नॉट आउट ही हूँ। तो कोई नहीं, अब आगे खेलेंगे, नेक्स्ट मैच ट्राई करेंगे अच्छा सिक्सेस लगाए। पर इतनी जल्दी बैट पे नहीं आ रहा था वहाँ, क्योंकि दूसरी टीम का भी एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा था बहुत देर तक, उसके भी बैट पे नहीं आया। तो मैच हम एक तरफा ही जीत गए। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, और ऐसे व्लॉग और देखना है कि हाँ भैया आप कहीं भी जाते हो मैच खेलते हो बनाया करो, तो मैं लाता रहूँगा ऐसी एफर्ट करके आप सबके लिए। और इंस्टाग्राम पे भी सेम अकाउंट क्रिकेट विशाल। और आपको बता दूँ, लगातार ही मैच चल रहे हैं हमारे, अब कंटिन्यू 3 दिन मैच है एक टूर्नामेंट के, और पीछे भी मैच ही खेल रहा था, तो भी सीजन चल रहा है, बहुत ज़्यादा मैच है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।